बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने किया राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, माफी मांगने की मांग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ओबीसी होने पर देय बयान पर की थी विवादित टिप्पणी। पीएचडी डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर किया एक दिवसीय धरना। प्रदर्शन कर रहे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने, रेगुलराइज करने और SRO 64 लागू करने की मांग। मांग पूरी न होने पर 4 मार्च को उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। डोगरा चौक में राहगीरों के लिए बना फुटपाथ का हिस्सा है टूटा, आम लोगों को चलने में होती है दिक्कत, तुरंत मरम्मत करने की जरूरत। श्रीनगर में टारगेट किलिंग के बाद प्रशासन सख्त, अल्पसंख्यक की बस्ती और श्रमिकों वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। इसके लिए बैठक भी की गई थी, साथ ही पूरे इलाके की सुरक्षा का निरीक्षण भी किया गया। बारामूला में 2 आतंकी ठिकाने का बांडाफोड़, गढ़ में ही बना रखा था ठिकाना। IED समेत कई हथियार बरामद, 2 गिरफ्तार। बारामूला के सोपोर इलाके में 2 आतंकी ठिकाने को नष्ट किया गया है। आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जवानों ने मारे गए आतंकी कमांडर के घर पर तलाशी अभियान चलाया था, उसके घर से आतंकी ठिकाने का बांडाफोड़ हुआ है, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग करने के पात्र, 18 से 29 साल के 2 करोड़ से ज्यादा युवा। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में रजिस्टर्ड मतदाताओं में 6% की हुई थी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र ने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कपूर ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की थी।